सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सेट माइ बाउंड गोल दिस संदीप भैया एंड गाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है आंसर की चेक करने में और एन टी ए ने जो बहुत बड़ी मिस्टेक करी है उसके बारे में बताने वाला हूँ मतलब जय हो एन टी ए की मतलब इतना बड़ा खेल ए एन टी ए वाले ही कर सकते हैं अब खेल क्या हुआ है लेट मी एक्सप्लेन यू बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया जो आंसर की है वो टोटली totally रॉन्ग है तो आंसर की में प्रॉब्लम क्या है लेट मी टेल यू यहां पर मैं जो मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं पहले तो हमें देखेंगे कि भैया आपको रिस्पांस रिस्पॉन्स कैसे डाउनलोड करना है जिन लोगों ने जेई मेन का मार्क्स जेई मेन का एग्जाम दे रखा है उनका रिस्पांस सीट आ गया है अब आपको क्या करना है आपको पहले रिस्पांस रिस्पॉन्स डाउनलोड करना है रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड करने के बाद से रिस्पॉन्स डाउनलोड करने के बाद से आपको क्या करना है अपने आंसर की से मैच करना है आंसर की से मैच करिए पहले और आंसर की से मैच करने के बाद क्या रहेगा यू हैव टू चेक योर आंसर की अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं अब आपके मार्क्स से आपको ये अंदाजा लगने वाला है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है या कौन सी परसेंटाइल आपकी होने वाली है ठीक है हाँ और दूसरा आपको पहले रिस्पॉन्स से डाउनलोड करना है फिर आंसर की चेक करना है अपने मार्क्स कैलकुलेट करना है अब एक कैसे होगा मैं आपको इस वीडियो में

आप अपने प्रोफाइल से ही क्या कर सकते हो आंसर की को चैलेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग 200 पर क्वेश्चन ठीक है अब अब चाहे आपका आ, आप जो चैलेंज कर रहे हो सही हो या गलत हो

उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि जेई मेन का रिजल्ट किस दिन आने वाला है जेई मेन के रिजल्ट पे हम बात करने वाले हैं क्योंकि सब लोग फर्स्ट अटैम्प्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं दूसरा कि इस इस सेशन में एक्सपेक्टेड कट ऑफ़ क्या जाने वाली है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको कट ऑफ का एक आइडिया मिल जाना चाहिए ताकि उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को सेकेंड अटैम्प्ट के लिए अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करो और एक जो सबसे खास भी, आ, पॉइंट है कि मार्क्स वर्सेस कॉलेज कितने मार्क्स लाने पर लगभग लगभग कितना कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि आप अपना भी क्या कर रहे हो मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो तो मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद आपके जगह मैं भी होता तो मेरे मन में यही सवाल आता कि क्या मैं सेफ हूँ क्या मैं सही एडवांस के लिए एलिजिबल हूँ और अगर मैं एलिजिबल हूँ तो क्या मेरा अभी एन में सीट पक्की हो गई कि नहीं क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेजरली लोग का जो टॉपर नहीं होते हैं ठीक है एवरेज लोगों की मैं बात कर रहा हूँ सबका यही रहता है कि पहले एन में एक सीट पक्की हो जाए फिर आई के लिए देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वन बाई वन अब सबसे पहले आपको क्या करना है एनटीए की वेबसाइट पर जाना है एनटीए जन एन टी एम पर जाइए और एकदम मस्त वहां लॉग इन करिए लॉग इन करने के बाद आपको कुछ ऐसी वेबसाइट वेबसाइट खोलने आ, ऐसी देखने को मिल जाएगी ऐसी वेबसाइट आने के बाद से यहां पर आप क्या करिए आंसर की चैलेंज पर क्लिक कर दीजिए आंसर की चैलेंज पर क्लिक करने के बाद से ये लोग आपसे लॉगिन इन, इन करवाएंगे जैसा कि पहले से ये लोग कराते आ रहे हैं तो पहले यहां पर क्लिक कर दीजिए जस्ट थोड़ा टाइम ले रहा है रात को ये ओपन नहीं हो रहा था इसका रीजन ये था कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग इस छोटे से वेबसाइट पे कूद पड़े थे तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और कुछ बैकेड में भी चल रहा था तो सॉरी मेरा तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा है जे ऑनलाइन इज टू नो ठीक है जो भी हो मेरा इंटरनेट तो चल रहा है यार इनका ही नहीं चल रहा है इनकी वेबसाइट में अभी भी प्रॉब्लम है और नहीं यहाँ तक कैसे ओपन होता हाँ चलिए सबसे पहले यहाँ अपने को यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद से आप अपने लॉगिन पेज पर आ जाओगे लॉगिन पेज में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रात को देखने को मिली थी लॉग करते टाइम लॉग करने टाइम लॉग करते टाइम कि जो डेट बर्थ थी डी में 2006 तक ही आके ड्रॉप डाउन रुक जा रहा था 2007 से आगे का आ ही नहीं रहा था 2007 से आगे का आ ही नहीं रहा था रात को बहुत बड़ा ब्लंडर था बहुत बड़ा मिस्टेक था मैं रात को लाइव भी आया था बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे भैया मेरा तो डेटा बर्थ दो है मैं क्या करूँ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो अभी फिलहाल में प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और अभी फिलहाल में दो हज़ार सात आठ सब आ रहा है सात आठ नौ दस तक आ रहा है दस तक आ रहा है तो दो हजार दस तक वाला भी क्या कर सकता है अब चेक कर सकता है पहली प्रॉब्लम तो एन ने यहां पर की थी अब बात करते हैं कि भैया चेक कैसे करना है तो सबसे पहले जब आप लॉग इन करोगे ना अब आप लॉग इन करोगे तो ऐसी कुछ रिस्पॉन्स सीट आपकी होगी अब यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं देखो जब अपने प्रोफाइल पे आप जाओगे तो अपने प्रोफाइल पे लॉगिन करोगे ना तो ऐसा आएगा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन पेमेंट और आंसर की तो आंसर की वाले पे क्लिक करना है आंसर की वाले पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आते हैं एक आता है रिस्पॉन्सिट का ठीक है रिस्पॉन्सिट डाउनलोड करने का तो रिस्पॉन्सिट डाउनलोड कर पे क्लिक कर देना और तुम यहां पहुंच जाओगे रिस्पॉन्सिट डाउनलोड पे यहां पहुंच जाओगे दूसरा ऑप्शन जो आता है आपका आता है आंसर की का क्लेम करने का तो हम यहाँ से आंसर की को क्लेम कर सकते हैं अब बच्चे पूछ रहे हैं बहुत सारे कि भैया आंसर की कहाँ है तो दिस इज आंसर की भाई ए आंसर की है आपके शिफ्ट की आंसर की है आप जिस शिफ्ट में थे आपके प्रोफाइल में उस शिफ्ट की आंसर की एनटीए वालों ने डाल दिए हाँ। आपको इधर-उधर नहीं भागना है कि आंसर की कहां लेना आंसर की कहां लेना है कुछ नहीं आप जहां से लॉगिन करोगे वहीं पे आपका रिस्पांस सीडी भी मिल जाएगा और आपका आंसर की भी मिल जाएगा ठीक है ओके okay. अब आपका रिस्पॉन्स सीट भी मिल जाएगा और आपका आंसर की भी मिल जाएगा अब क्या करना है आपको अपने क्वेश्चन को मैच करना है कैसे तो देखो यहां पे ना क्वेश्चन आई दी क्वेश्चन आई दी गई है क्वेश्चन आई दी गई है अब क्वेश्चन आई डी यहां पे दी गई है और दूसरा जो है क्वेश्चन आई डी यहां पर दी गई है और आपका आंसर सीट यहां पे दिया गया है समझिएगा दिस इज योर क्वेश्चन आई डी और दिस इज और आंसर सीट तो तुम्हारा जो क्वेश्चन आईडी है वो यहां पे है कि क्वेश्चन uh, आईडी है और ये ऑप्शन आईडी है अब जैसे क्या है फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस सवाल का आंसर जो भी बच्चे ने मारा हो इसने ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर थ्री चूज किया था इसने ऑप्शन नंबर थ्री चूज किया था दो मिली बोल्ट ठीक है अब ये आंसर गलत है या नहीं है पहले हमको चेक कैसे करना है आंसर की तो एन वालों ने इस कदर आपको आंसर सीट दिया है कि साधारण मानव चेक ही ना कर पाए है ना एकदम उलझा पुलझा के दिया है अब जैसे इसका क्वेश्चन आईडी के लास्ट में क्या है 875 तो मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने आंसर सीट अपने रिस्पॉन्स पे जाऊंगा और आई विल लुक फॉर कि भाई 875 वाला कौन सा है तो देखो आठ 875, 875 का कौन सा आंसर सही है तीन नंबर का सही है तीन नंबर का ऑप्शन सही है कौन सा तीन नंबर देखो यहाँ पे डार्क भी कर दिया इन लोगों ने तीन नंबर का ऑप्शन सही है अब तुम्हारे मन में यहाँ आ रहा होगा कि सर इसका मतलब जो बच्चे ने आंसर मारा है वो सही मारा है इसने तो तीन ही मारा है ना इसने जो ऑप्शन में मारा है इसकी तो कट्ठी कर दो इसने जो ऑप्शन में मारा है तीन नंबर मारा है नहीं इसने गलत मारा है इसने गलत मारा है अब कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ देखो आंसर क्या होगा पहले तो आंसर देखो चार बोल्ट है चार बोल्ट को आ, डिवाइड करना है इतने रेजिस्टेंस में कितने रेजिस्टेंस है लगभग लगभग लग लग, 500 ओम के आसपास रजिस्टेंस है 100 200 300 400 500 इधर टोटल कितना है टोटल है आ, 100, दो सौ और ये तैतीस सौ नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है ये सब में तो नेट 3300 है और टोटल मिला के सात सौ है तो ये आएगा आएगा है ना चार आएगा। मैं अभी करके निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो अगर मैं सिर्फ इसके क्रॉस वोल्टेज निकालू वी नॉट तो वी नॉट कितना आएगा तो सर चार बोल्ट को बांटना है किसके क्रॉस 500 के क्रॉस और टोटल रजिस्टेंस कितना है तो टोटल रजिस्टेंस चार है कितना चपाटी चार है काट दीजिए चार धाम में चालीस और पाँच दूना दस ये कितना आया लगभग लगभग आया आपका जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव बोल्ट तो आंसर कौन सा होना चाहिए वन आंसर आईडी कौन सी है अपनी वन है ना आंसर आईडी कौन सी होनी चाहिए वन आर में पॉइंट अब आंसर इसने ऑप्शन तीन मान रहा है और उधर आंसर की में भी तीन दे रहा है तो तीन पता है कौन सा दे रहा है मैं बताता हूँ वो तीन इसको एसेंडिंग ऑर्डर में करके दे रहा है जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखो पहले नंबर पे कौन सा आना चाहिए पहले नंबर पे आना चाहिए तुम्हारा तिहत्तर वाला समझना ए, हमारा ऑप्शन आई डी वन सही है और तिहत्तर वाला आना चाहिए पहले नंबर पे तिहत्तर के बाद चौहत्तर आता है दूसरे नंबर पे और उसके बाद से कौन आता है पचहत्तर आता है तो ये तीसरे नंबर पे और उसके बाद छिहत्तर जो आता है चौथे नंबर पे आता है तो जो यहां ऑप्शन वन है ये सही है और ये ऑप्शन वन को आंसर की में थर्ड बोल रहा है समझो ऑप्शन वन को आंसर की थर्ड बोल, बोल रहा है तो इसके, इसके तीन. तीन अकॉर्डिंग दो बोल टू है तो जब भी हमको चेक करना है तो मुंह उठा के वही वाला नहीं चेक कर लेना है मतलब ऑप्शन जो तुमने टिक किया वो वाला चेक नहीं कर लेना है क्योंकि ऑप्शन तो रिशफल होता रहता है हर एक बच्चे के लिए अब एनटीए ने यहां पे क्या मिस्टेक किया है? उसको समझो

हमारे जो ऑप्शंस है क्योंकि हर बच्चे के लिए अलग अलग ऑप्शन होगा हर बच्चे का ऑप्शन क्या हो रहा होगा सफल हो रहा होगा तो इसके लिए रिसफल होने की वजह से अगर वही वाल अब किसका आंसर मारे एक ही शिफ्ट में बहुत सारे ऑप्शन इधर उधर आ रहे होंगे तो इसके लिए इन्होंने बोला कि भैया आप इसको क्या करिए ऑप्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए फिर पहला नंबर उसको असाइन करिए फिर दूसरा नंबर फिर तीसरा नंबर फिर चौथा नंबर तो चेक करने का तरीका क्या है सर चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है चेक दिख तो रहा है ना तुम लोग को चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है कि जितने भी ऑप्शन है उसको आप एक काम करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद से आप जो सबसे छोटा है उसको एक नंबर दे दीजिए जैसे यहाँ पे जो सबसे छोटा था तिहत्तर उसको एक नंबर दिया चौहत्तर को दो नंबर दिया

सटीक बैठ रहे हैं ठीक है ऑप्शन देखने में गलती हुई थी ऑप्शन देखने में बच्चों को परेशानी हुई थी क्योंकि ये डायरेक्टली चेक कर रहे थे जैसे ये बच्चा है इसने ऑप्शन नंबर तीन मारा है अब ये तीन नंबर वहां जाके चेक करेगा तो बोलेगा अरे मेरा तो सही है पर एक्चुअली में उसका गलत है क्योंकि आंसर क्या होगा जीरो वोल्ट होगा

जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जेनर डायोड तो जेनर डायोड का क्वेश्चन आईडी है आठ अब मैं अपने आंसर की पे जाऊंगा आठ सौ चौहत्तर कहा है तो चो चो ये है. तो ये मेरे लिए क्वेश्चन कौन सा है ए और ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन कैसे चेक करूंगा तो इसमें जो एक दो तीन चार दिया हुआ है आठ सौ चौहत्तर का एक दो तीन चार जो ऑप्शन दिया हुआ है ये कहां से पता चलेगा तो ये पता चलेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके किसको असेंडिंग ऑर्डर में करके तो दिस इज वन this is 1 this is 2 this is 3 and this is 4 a ऑप्शन नंबर है आंसर की के हिसाब से अब आप चेक कर लीजिए अब जैसे इसने दो मारा है अब ऑप्शन में कौन सा आंसर आ रहा है ये दो तो इसका वाला है ठीक है ए दो तो इसका वाला है अब ये जो आंसर दो मारा है आंसर की में कौन से वाले से मैच करेगा तो आंसर की के वन से मैच करेगा अगर आंसर की के वन से मैच करने पर आ रहा है अगर आंसर की का वन आ रहा है तो इसका मतलब इसने जो मार्क किया वो सही है अदरवाइज इसका गलत है निगेटिव में जाएगा निगेटिव जीरो पॉइंट टू फोर तो चलो इसका एक बार चेक कर लेते हैं अगर हम चेक करें तो ये आएगा हम कौन सा देख रहे थे हम लोग हम लोग देख रहे थे आठ सौ का आंसर कौन सा सही होना चाहिए आंसर जो सही होना चाहिए वो है वन तो आठ में ]Regardly... 874 में आंसर कौन सा सही होना चाहिए आंसर जो इसने मारा है आंसर जो इसने मारा है आ, उसने वन मारा है लेकिन यहां पे आंसर कौन सा सही है तीन है तो इसका मतलब उसका आंसर गलत है तो ऐसे ही आपको चेक करना है ये बात रही कि आंसर की कैसे चेक करना है तो आई होप आपको आंसर की चेक करना समझ में आ गया अब आंसर की कैसे चैलेंज करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ आपको जो भी लग रहा है कि नहीं नहीं, नहीं इन लोगों ने एन वालों ने गलती करी है एनटीए वालों ने जो जो भी गलती करी है आप एक काम करिए मान लीजिए छिहत्तर का ऑप्शन नंबर एक होना चाहिए पर एन वालों ने क्या किया है ऑप्शन नंबर दो लिखा है तो आप एक पे क्लिक कर दीजिए आपके अनुसार ये सही लग रहा है तो जो सही लग रहा है उस पर क्लिक करिए और चैलेंज करने के लिए आपको क्या करना है चैलेंज करने के लिए आपको क्या करना है नीचे जाना है और यहाँ पे कैप्चर डालना है और सबमिट इन रिव्यू पे क्लेम करना है और अगर आपको लग रहा है कि आप कोई आंसर की अपलोड करना चाहते हो तो उसकी एक फाइल बना के भी आप अपलोड कर सकते हो इसको एन वाले बैठ के देखेंगे और उसके बाद से ये आपको वेरिफिकेशन डालना है जो भी वेरिफिकेशन है आपका ए और क्लेम एंड रिव्यू पे क्लिक करना है सबमिट एंड रिव्यू और क्लेम पे क्लिक करना है उसके बाद से फिर आपको सबमिट कर देना है और रिव्यू करना है रिव्यू करना मतलब एक बार चेक कर लेना है कि क्या आपने जो दिया वो सच में सही है और अगर चेक करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ हाँ मैंने जो ऑप्शन टिक किया है वो एन टी ए के आंसर की में गलत है तो आप पेमेंट कटवाइए अपना पर क्वेश्चन दो सौ रुपए और उसके बाद एनटीए इसको चेक करेगी अगर आंसर की गलत पाया जाता है एनटीए का अगर एनटीए अपना आंसर की गलत पाती है तो उसको क्या री करेगी रीअपडेट करेगी बात समझ रहा है तो रीअपडेट करके फिर से एक फाइनल आंसर सीट भेजेगी और मे बी फाइनल आंसर सीट ये लोग भेजे तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन को असेंडिंग डिसेंडिंग वाला लफड़ा हटा के ऑप्शन के सामने आंसर आंसर आईडी लिख दे ऑप्शन आईडी लिख दे अगर ऑप्शन आईडी ये लोग लिख देंगे तो बच्चों को पता करने में परेशानी नहीं होगी अदरवाइज ऐसे तो बच्चा बड़ा परेशान हो जाएगा कि अरे 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 लेकिन मैंने जो तरीका बताया तुम उससे अपना आंसर की चेक कर सकते हो तो चलो हम आगे बढ़ते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाला है ओके

अगर मैं बात करूं अभी कि भाई कितना जाएगा तो मैक्सिमम 93 जाएगा जिसका बहुत कम चांस है कि ठीक है ना लेकिन इस बात की गारंटी है नाइन्टी परसेंटाइल से नीचे नहीं आने वाला है हो सकता है नाइन्टी हो जाए मैं, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं नाइन्टी मुझे नहीं लगता इससे ऊपर जाएगा विद इन द नाइनटी रहेगा तो तुम मान के चलो नाइनटी एक बढ़िया नंबर है जिसके आसपास तुम अपने कट ऑफ को सोच सकते हो ठीक है अब 91 वन लेके आने के लिए कितने मार्क्स तुम्हारे होने चाहिए इसके बारे में मैं भी अभी डिस्कस करूंगा ए टोटली डिपेंड इस बात पर करेगा कि तुम कौन से में थे तुम्हारे पेपर का लेवल कैसा था इजी था मॉडरेट था हार्ड था लेकिन एक मीडियम मार्क्स में अभी तुम्हें बता दूंगा उसके बाद अगर तुम ईडब्ल्यू वगैरह के हो

तो तुम्हें इस साल चूंकि इस साल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे ना हर साल से ज्यादा है ये ये कैंडिडेट जो तुम नंबर देख रहे हो ना ये दोनो, दोनों दोनों ईयर को मिला के है मतलब दोनों उसको मिला के है दोनों अटेम्प्ट को जैन अटेम्प्ट प्लस अप्रैल अटेम्प्ट क्योंकि जो लोग जैन में भरते हैं वो अप्रैल में तो भरते ही भरते हैं पर कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्रैल अटेम्प्ट में हर बार एक्स्ट्रा आ जाते हैं जिन्होंने जनवरी में नहीं भरा था पर अब अप्रैल अटेम्प्ट में भर रहे हैं तो नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स जो होता है बढ़ जाता है तो जब नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा मान के चलो थर्टीन लाख प्लस जाएगा अभी थर्टीन लाख प्लस तुम्हारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार में बैठने वाले हैं तो कॉम्पिटिशन पिछले साल से ज्यादा रहने वाला है अब सवाल ये कि भैया इतनी परसेंटाइल ये जो आपने परसेंटाइल लिखी है इतनी 90 परसेंटाइल अचीव करने के लिए मुझे कितना मार्क्स सोचना चाहिए मैं कितना मार्क्स अज्यूम करूं कि अगर मेरे मार्क्स इतने आ रहे हो अगर मेरे मार्क्स इतने आ रहे हो तो मेरा जो है एडमिशन हो मतलब मेरा जो है कट ऑफ क्लियर हो जाए तो चलो इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूं सो so गाइस अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि भाई 90 परसेंटाइल प्लस लेके आने के लिए आपको कितना मार्क्स टारगेट करना चाहिए तो मैंने मार्क्स यहाँ पे लिख दिया है आपको एटलीस्ट हंड्रेड प्लस टारगेट करना चाहिए ये मीडियम मार्क्स है एक तरीके से मीन है क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से शिफ्ट में थे पेपर का लेवल कैसा था और उसमें कितने टॉपर लोग बैठे हुए थे तो अगर मैं बात करूँ अगर आपके हंड्रेड प्लस आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है मोस्ट प्रॉब्ली बहुत हद तक चांस है ठीक है और अगर ईडब्ल्यू एस हो तो कम से कम एटी प्लस पे तुम एज्यूम कर सकते हो कि अगर एटी प्लस एटी फाइव से 80 प्लस आपका मार्क्स आपके मार्क्स आ रहे हैं मॉडरेट लेवल में तो आपने ऑलमोस्ट आपनेलमोस्ट एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो है ना ए, मैं फिर बता रहा दिस इज एक्सपेक्टेड डेटा कोई गारंटी नहीं है कि मतलब ऐसा ही होने वाला है ये चेंज भी हो सकता है लेकिन चेंज होगा ना तो थोड़ा बहुत ही होगा बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होगा ऐसा नहीं है कि एक नंबर पर तुम्हारी कट ऑफ जाके क्लियर होगी अगर सौ है तो हो सकता है 110 पे कट ऑफ क्लियर हो और कुछ लोगों के नब्बे पे भी क्लियर हो सकते हैं अगर वो हार्ड शिफ्ट में होंगे तो ठीक है तो नब्बे पे भी हो सकता है पे भी, पे भी हो सकता है एक सौ दस पे भी हो सकता है इट डिपेंड करेगा तुम्हारे पर पर ऑन एन एवरेज एक मैं मार्क्स बता रहा हूँ जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा ओबीसी सत्तर से पचहत्तर है अगर पचहत्तर प्लस है या एटी प्लस है तो चांस है कि हो जाए एस सी पैंसठ प्लस साठ प्लस पे भी चांस है कि हो जाए 40 प्लस पे भी चांस है कि हो जाए तो डोंट वरी ज्यादा घबराना नहीं है

काउंसलिंग बहुत सारी हैं सिर्फ़ जोसा और सी की ही काउंसलिंग नहीं है उसके अलावा भी बहुत सारी काउंसलिंग है अब एन के लिए एटलीस्ट आपको एन में एडमिशन लेने के लिए 140 से 150 नंबर तो आपके होने ही चाहिए टाइट टू तक के एन में जाने के लिए और अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कम से कम 170 से 180 नंबर प्लस होना ही चाहिए किसी भी एन में एडमिशन लेने के लिए तो अब इस पर एक चर्चा रखना चाहता हूँ मैं एक लाइव सेशन में रखना चाहता हूँ और इस लाइव सेशन में हम यही बात करेंगे कि अगर जिनके 200 प्लस है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है जिनका 100 सौ डेढ़ सौ प्लस आ रहा है उनका क्या हिसाब किताब है और जो 100 प्लस वाले रेंज में है उनका क्या हिसाब किताब है और जो 80 से 100 के बीच में है उनका क्या हिसाब किताब है और जो साठ से अस्सी के बीच में है उनका क्या हिसाब किताब है क्योंकि सौ के बाद तो फिर आपको स्टेट लेवल पे देखनी पड़ती है स्टेट लेवल पे देखनी पड़ती है और अगर इन जिनका 40 से बिलो आ रहा है 40 से बिलो आ रहा है उनको तो भाई प्राइवेट देखनी पड़ेगी या फिर स्टेट के किसी नॉर्मल कॉलेज स्टेट के किसी कोर ब्रांच में जाना पड़ेगा बिलो है ना आसी से बिलो तो इनके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं इस पे मैं लाइव सेशन रख लेता हूँ चलो हम लोग इस पे लाइव सेशन कल के लिए रख लेते हैं कल शाम के लिए रख लेते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल शाम को मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करिए अपने डाउट्स लेके आइए आई वुड लाइक टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ओके गाइज तो आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आठ से पहले पहले आपको क्या करना आंसर की चैलेंज कर देना है तो चलिए गाइज मिलता में तब तक ले। बाबा टाटा एंड जय हिंद